देखिए बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, परमुटेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। आप प्रोबेबिलिटी आपको बताने किस चीज़ का, दैट ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। तो सॉल्व करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। एंड फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ऑल वर्ब्स कम टुगेदर, ऑल वर्ब्स कम टुगेदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में लेटर क्या है, एस क्यू यू ए आर ई, जो वॉवल्स हैं आपके आप उसको सेलेक्ट कीजिए, दिस वन ए ई ए यू, ये आपका एक यूनिट हो गया। ठीक है, ये एक यूनिट हो गया, बाकी आपका टू थ्री फोर, तो टोटल कितने आपके पास में होंगे बच्चे, टोटल फोर यूनिट। तो फोर फैक्टोरियल, मैंने परमुटेशन बताया था, इन टू फोर फैक्टोरियल इन टू, अब आपके पास में जो ये थ्री लेटर एक साथ आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट ये ले लिया और बाकी दो तीन, बट ये तीन वॉवल्स भी आपस में प्लेस चेंज कर सकते हैं ना, यू ए ई ए ई ए, ठीक है ना, ई यू ए, तो इस तरीके से थ्री फैक्टोरियल ऑल, तो इतने पॉसिबिलिटीज हैं, चार तीन दो तीन दो सॉल्व करेंगे तो 12 बार दूनी 24 गुणा 6 छः छक 24 दो 12 और दो 14 144, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसमें आपके, टोटल आउटकम्स यहाँ पर आपके कितने होंगे, लाइक सिक्स लेटर है ना, तो सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन सॉल्व करेंगे, 30 120 240 मल्टीप्लाई बाय 3 72 720। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे दिस वन, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 144 एंड टोटल कितना है 720, ये आपका आंसर है। तो परमुटेशन सीख लीजिए बच्चे, बड़े बड़े क्वेश्चनों की तैयारी होती है, पेपर आसान आएगा, छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, छोटे की तैयारी नहीं है वही पेपर आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। क्लियर है, पुराने क्वेश्चन हैं ये, बट कोई बात नहीं, अभी हम जब पहले चैप्टर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इन अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर, वैसे ही क्वेश्चन है आपके पास में, पहले आप ट्राई करेंगे। चलिए पहले आप ट्राई कर लीजिए, इन द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स, तो सारे वोवल्स एक साथ आए, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है किस चीज़ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है आपके पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल वोवल्स, ऑल वोवल्स कम टुगेदर। फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स निकालना है आपको, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स में देखें
सारे वोवल्स एक साथ आते हैं, वोवल्स पहले पकड़ लो आप। वोवल्स क्या क्या आपके पास में? ओ, ई, ई। तो आपके पास है वोवल्स कितने? तीन वोवल्स। इसको एक यूनिट ले लो, ठीक है? फिर फोर लेटर हो गया, 5, 6, 7। तो टोटल 7 फैक्टोरियल आ गया इन टू। अब यहाँ देखें आप, आपके पास में वोवल्स कितने हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें से आपके पास में देखोगे तो ई तो सेम ही है, ये तो एक ही हो गया। चलो कर लेता हूँ मैं, 1, 2, 3 वोवल्स है, ये भी आपस में इंटरचेंज करेंगे प्लेस, ये भी आपस में इंटरचेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब डिवाइडेड बाय, आप देखो क्या क्या लेटर रिपीट हुआ है। सी रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल। ओ नहीं हुआ है, एम रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, ई रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल। एंड इसके अंदर भी एक बार रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल। ये मैंने फॉर्मूलेशन में सिखाया था आपको। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 3, ये 2 × 2 × 2 × 2। सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आपके पास में 3 आ गया, 2 से कट के 2 आ गया, 2 से कट करके 1 आ गया, एंड 2 से कट के ये आ गया। तो क्या बचा आपके पास में? 7 × 3 × इसमें करेक्शन करना है बच्चे। हेलो, देखो फेवरेबल आउटकम्स। अब कॉमर्स में अगर आप देखेंगे 3 वोवल्स के साथ आने चाहिए। वोवल्स कौन कौन से हैं? ये 1, 2, 3। क्लियर है बच्चे? तो ये 3 वोवल्स है आपके पास में, और बाकी आपके पास में इसको 3 है, इसमें कि 2 तो सेम ही है। तो पूरे लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरा 8 लेटर है, इसमें 3 वोवल्स है। तो 3 आप माइनस मत करना, क्लियर है? माइनस का मतलब होता है कि एक उसको एक यूनिट मान लेंगे सारे वोवल्स को। तो वोवल्स तो 2 वोवल्स तो सेम ही है, तो पूरा 8 है जिसमें कि वोवल्स डिफरेंट टाइप्स के वोवल्स हमारे पास में 2 हैं। तो 6 लेटर हो गए ये बेसिकली हमारे पास में, ठीक है? तो 6 फैक्टोरियल आएगा ये, और इस 6 फैक्टोरियल में इनटू में जो मेरे पास में 3 वोवल्स है वो भी आपस में इंटरचेंज होंगे, बट इसमें 2 वोवल्स एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल। और इस 6 लेटर में अगर आप देखेंगे तो एक तो मेरे पास में एम आ गया, और एक मेरे पास में सी आ गया, दिस वन। ये फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम लेटर कितने मेरे पास में? 8 फैक्टोरियल, और अपॉन में सी 2 बार, ई 2 बार, और एम भी 2 बार, दिस वन। क्लियर है? इसको आपको सॉल्व करना है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 3 × 2 × 8। सॉल्व करेंगे, 4 × 2 = 8, 2 से 2 कट गया, तो 6 × 5 = 30, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, 540। यहाँ सॉल्व करेंगे आप, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 8, 8 से 8 कट गया, तो आपके पास में आ गया 7 × 6 × 5 × 12 × 2, 5040। सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के बाद अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे
तो आपके पास में 540 अपॉन ये रहेगा चांसेस, ठीक है बच्चे, क्योंकि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 यह गड़बड़, 42 गुणा 5 × 20 = 60 120, हाँ 540, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लासेस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि एडिशन थ्योरम क्या होता है, और इसको भी हम बड़ी स्पीड से एक ही क्लास में आप ख़त्म करेंगे। अब आप प्रोबेबिलिटी के उस लेवल पे आ गए हो, मतलब कि आपका फाउंडेशन तैयार हुआ है, आपकी नींव प्रिपेयर हुई है, अब आप नींव पे आए हो, ग्राउंड जीरो लेवल पे आए हो। अब यहाँ से आपका सिलेबस का जो कंटेंट है वो कवर होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आपकी प्रोबेबिलिटी को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है, क्योंकि परम्यूटेशन भी आपको सिखाया गया है, कॉम्बिनेशन भी आपको सिखाया गया है, दोनों में डिफरेंस भी आपको बताया गया है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पहले 10th लेवल करवाया गया है, अब यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चे।